पनामा नहर और स्वेज नहर दुनिया की दो सबसे महत्वपूर्ण मानव निर्मित नहरें हैं। पनामा नहर जहां इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने के रूप में पहचानी जाती है, तो वहीं स्वेज नहर अपनी भौगोलिक और रणनीतिक महत्व के लिए जानी जाती है। स्वेज नहर के कारण दो लड़ाइयां हुई, जिनमें से एक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही लड़ी गई। इन दोनों ही मौकों पर ब्रिटेन ने नहर पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगाई। हैरानी की बात यह है कि ये वही ब्रिटेन था जिसने शुरुआत में नहर बनाए जाने का सबसे ज्यादा विरोध किया था। आइए इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन नहरों का इतना महत्व क्यों है और उस घटना की भी पड़ताल करते हैं कि 8 साल तक कई जहाज आखिर इसमें क्यों फंसे रहे। यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का इतिहास कई सदियों पुराना है। दोनों के बीच ज्यादातर व्यापार समुद्र के रास्ते ही होता है। यूरोपीय देशों को भारत और चीन जैसे एशिया के बड़े व्यापारिक केंद्रों तक पहुंचने के लिए अफ्रीका के नीचे से होकर लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, जिसका मतलब कई महीनों की लंबी यात्रा थी। ऐसे में एशिया और यूरोप के बीच आने जाने के लिए एक ऐसे समुद्री रास्ते की तलाश करना जरूरी हो गया था जो छोटा हो। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाले समुद्री रास्ते के बारे में सबसे पहले 19वीं सदी ईसा पूर्व में काम शुरू हुआ। प्राचीन मिस्र के राजाओं ने, जिन्हें फराओ कहते हैं, सबसे पहले नील नदी और लाल सागर को जोड़ने वाली एक नहर का निर्माण कराया, लेकिन समय के साथ इसका नाम और निशान मिट गया। इसके बाद ऐसी नहर बनाने की पहल फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने की। उसका मानना था कि दोनों सागरों को जोड़ने वाली ऐसी नहर के बनने से फ्रांस के लिए एशिया पर अपना प्रभाव बनाना काफी आसान हो जाएगा। इसके तुरंत बाद ही नहर बनाने की योजना शुरू कर दी गई। इस दौरान यह गलतफहमी हो गई कि दोनों समुद्रों का जल स्तर अलग अलग है और ऐसे में इन्हें जोड़ने वाली नहर में लॉक चैम्बर्स बनाने पड़ेंगे। यह काम बहुत दुरूह देखते हुए आखिरकार यह योजना छोड़ दी गई। 50 सालों के बाद यह गलतफहमी दूर हुई। फ्रांस ने यह काम दोबारा शुरू किया और यह जिम्मेदारी फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने ले ली। उसके मिस्र के शासक सैयद पाशा के साथ अच्छे संबंध थे। वह उन्हें यह भरोसा दिलाने में कामयाब रहा कि स्वेज नहर मिस्र के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इसके साथ ही फ्रांस और मिस्र ने नहर निर्माण और इसके परिचालन के लिए 99 वर्षों की एक संधि कर ली। फ्रांस के विरोधी देश ब्रिटेन ने इस प्रस्तावित नहर परियोजना का कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। अफ्रीका के नीचे से होते हुए यूरोप से एशिया तक पहुंचने वाली समुद्री रास्ते पर उसका नियंत्रण था। ऐसे में उसे इस बात का डर सताने लगा कि अगर इस समुद्री रास्ते के समानांतर दूसरा रास्ता बन गया तो एशिया में उसके उपनिवेशों, खासकर भारत में उसकी सत्ता के लिए खतरा हो सकता है। ऐसे में उसने स्वेज नहर की परियोजना की व्यवहारता को लेकर गलत खबरें फैलाना शुरू कर दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि स्वेज नहर को टोल टैक्स के रूप में जो राशि मिलेगी वह नहर के रखरखाव के लिए पर्याप्त नहीं होगी। ब्रिटेन ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि यह परियोजना काफी जटिल और खर्चीली होगी और जो नहर बनेगी वह इतनी संकरी होगी कि उसमें से बड़े जहाजों के लिए गुजरना बहुत मुश्किल होगा। ब्रिटेन के विरोध को दरकिनार करते हुए फर्डिनेंड और फ्रांस ने इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया। परियोजना के लिए पैसे जुटाने के लिए फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने ली स्वेज नहर कंपनी के शेयरों को शेयर बाजार में लाने का फैसला किया, लेकिन परियोजना को लेकर ब्रिटेन की ओर से फैलाई गई गलत बातों के कारण विदेशी खरीदारों ने इन शेयरों में कोई भी रुचि नहीं दिखाई। ऐसे में 50% शेयर फ्रांसीसी निवेशकों द्वारा तथा 44% शेयर पाशा द्वारा खरीदे जाने के बाद नहर बनाने का काम शुरू हो पाया। नहर बनाने के लिए खुदाई के काम में ही 10 साल लग गए। ब्रिटेन ने इसके लिए मजदूरों पर जुल्म किए जाने का आरोप लगाया, जो कुछ हद तक सही भी था। राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी बाधाओं को पार करते हुए नहर आखिरकार 1869 में बनकर तैयार हो गई, लेकिन तब तक नहर बनाने का अनुमान से कहीं अधिक खर्च हो गया। इसके अलावा शुरुआत में केवल कुछ ही जहाज यहाँ से होकर गुजरे, जिससे टोल से होने वाली आय भी अनुमान से कम ही रही। इसके अलावा कई बार कई जहाज नहर से गुजरते समय फंस भी गए, क्योंकि नहर को जितना गहरा होना चाहिए था वह उतनी गहरी नहीं बनाई गई थी। इन दिक्कतों को दूर होते ही उसकी उपयोगिता बढ़ने लगी। इस नहर के खुले जाने से समुद्री परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव आ गया। समुद्र के रास्ते अपने ठिकाने तक पहुंचने में जहाजों को जहां महीनों लग जाते थे, तो वह अब यह दूरी कुछ ही हफ्तों में तय होने लगी। जो व्यापारी अफ्रीका के रास्ते एशियाई देशों को अपना सामान भेजते थे, अब उन्हें यह लंबा रास्ता लेने की जरूरत कतई नहीं थी। इससे हुआ ये कि अफ्रीका में बड़ा निवेश करने वाले व्यापारियों के लिए संकट पैदा हो गया।
जिसने अचानक से वैश्विक मंदी का रूप ले लिया। इस वैश्विक मंदी की मार सैयद पाशा पर भी पड़ी। नहर के लिए पैसे जुटाने के लिए भारी भरकम कर्ज लेकर खरीदे गए 44% शेयर उसे बेचने पड़े। ब्रिटेन ने इस मौके का फायदा उठाया और ये सारे शेयर खरीद लिए। नहर पर ब्रिटेन और फ्रांस का पूरा नियंत्रण हो जाने से इस रास्ते समुद्री जहाजों का आना जाना भी और तेजी से बढ़ गया। इसी दौरान अपने क्षेत्र में विदेशी ताकतों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मिस्रवासियों ने नहर के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। ब्रिटेन ने विद्रोह के जवाब में फ्रांस की मदद से मिस्र के बड़े हिस्से को अपना उपनिवेश बना डाला। 1936 में मिस्र के आजाद हो जाने के बाद ब्रिटेन स्वेज नहर पर से अपना नियंत्रण खत्म नहीं करना चाह रहा था। ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह नहर फ्रांस और ब्रिटेन के नियंत्रण में बनी रही। युद्ध के दौरान जर्मनी के सैन्य जनरल इरविन रामेल के नेतृत्व में धूरी राष्ट्रों ने मिस्र के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। इटली और जर्मनी का मानना था कि ऐसा करने से स्वेज नहर से गुजरने वाले ब्रिटेन के जहाजों को रोका जा सकेगा, लेकिन ब्रिटेन ने अमेरिका की मदद से धूरी राष्ट्रों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। नहर के लिए किया गया 99 साल का अनुबंध खत्म होने के साथ ही मिस्र ने मांग की कि नहर का नियंत्रण उसे वापस दे दिया जाना चाहिए। ब्रिटेन और फ्रांस बहुत ही बेमन से इसके लिए राजी हुए। मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसराइल के जहाजों को स्वेज नहर से गुजरने से रोक दिया। इससे गुस्साए इसराइल ने सीनाई प्रायद्वीप पर हमला कर दिया। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। बीच बचाव करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने क्षेत्र में अपनी सेनाएं भेजी। दरअसल इसके पीछे उनका इरादा स्वेज नहर को दोबारा से अपने नियंत्रण में लेना था। ऐसे में वास्तविक स्थिति बहाल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकी और इसराइल ने 1967 में फिर से सीनाई प्रायद्वीप पर हमला कर दिया। इसराइली सख्ती के साथ अपने पुराने रुख पर कायम रहा और अपने उसी इसराइली जहाजों के लिए स्वेज नहर में घुसने के सभी रास्ते बंद कर दिए। उसने अपने 2 जहाज डुबो दिए और नहर में घुसने के रास्तों में बारूदी सुरंग बिछा दी। इसके चलते अगले 6 वर्षों तक नहर का रास्ता बंद हो गया। 1973 में मिस्र ने स्वेज नहर को पार करते हुए सीनाई प्रायद्वीप को वापस लाने के लिए वहां हमला बोल दिया, लेकिन इसराइल की सेनाओं ने आगे बढ़ते हुए उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। संयुक्त राष्ट्र को एक बार फिर हस्तक्षेप करते हुए दोनों देशों को वास्तविक सीमाओं में लौटाने के लिए तैयार करना पड़ा। हालांकि युद्ध 1973 में खत्म हो गया, लेकिन स्वेज नहर को दोबारा खुलने में 2 साल लग गए, क्योंकि वहां बिछाई गई बारूदी सुरंग को हटाए जाने में बहुत वक्त लग गया। 1967 में जब इसराइल और मिस्र के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब स्वेज नहर में करीब 15 जहाज फंसे थे। उन्हें यहां से निकलने में 8 साल लग गए, जिससे उनमें जंग तक लग गई। नहर के बंद हो जाने से समुद्री रास्ते से होने वाला वैश्विक व्यापार 20% तक घट गया। फिलहाल स्वेज नहर मिस्र के नियंत्रण में है। दुनिया का कोई भी जहाज टोल टैक्स अदा कर इस नहर से गुजर सकता है। पनामा नहर की तरह इस नहर में प्रवेश करने के लिए इसके लिए जलपाश की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बड़े से बड़े जहाज आसानी से यहां से निकल सकते हैं। हालांकि बहुत बड़े मालवाहक जहाजों के लिए यह संभव नहीं है। स्वेज नहर से गुजरने के लिए जहाजों को $67,000 टोल टैक्स के रूप में देने पड़ते हैं। मिस्र को इस नहर से $6 अरब से अधिक की आमदनी होती है। नहर के महत्व को देखते हुए मिस्र ने कुछ साल पहले ही नहर के मुख्य हिस्सों को चौड़ा करने के साथ ही इनमें कुछ नए रास्ते बनाने का भी काम शुरू कर दिया। रोजाना 97 जहाज स्वेज नहर से गुजरते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिस्र ने नहर के आसपास विशेष आर्थिक क्षेत्र और आईटी पार्क विकसित करने की योजना बनाई। उसका अनुमान है कि देश की अर्थव्यवस्था में इसका 35% से अधिक का योगदान होगा। मिस्र को नील नदी का वरदान माना जाता है, लेकिन यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भविष्य में उसे स्वेज नहर के वरदान के रूप में देखा जा सकता है।